हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ थायरिस्टर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसका उपयोग हम स्विचिंग और पावर कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला है थायरिस्टर के बारे में, जिसका हम यूज करते हैं डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लाइट डिमर करने के लिए, अगर हम उसे किसी लाइट की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रेक्टिफायर सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा थायरिस्टर का यूज करता है। इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल की तरफ बात करता हूँ तो जो हमारा फैन कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर यूज करते हैं ना, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, थायरिस्टर होता है जिससे हम पावर कंट्रोल करते हैं और इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, जिसमें हम क्या करते हैं कि टर्बाइन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं और उससे हम पावर जो प्रेशर जनरेट करते हैं, तो बेसिकली स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे थायरिस्टर का यूज करते हैं। अब थायरिस्टर का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो पावर रेटिंग होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब आप 1000-2000 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हो, वोल्टेज बहुत ज्यादा अप्लाई करवा सकते हो, तो इसलिए हम थायरिस्टर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये एक पावर हाउस की तरह है, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। तो थायरिस्टर में है ना तीन टर्मिनल्स होते हैं, जिसे हम एक को एनोड बोलते हैं, दूसरा कैथोड होता है और तीसरा गेट होता है। एक नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है जिसे हम बोलते हैं गेट। अब गेट ये जो टर्मिनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरिस्टर का, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इसके तीन जंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि पीएन में क्या होता है, एक ही जंक्शन होता है, लेकिन इसमें तीन जंक्शन होता है, इसमें चार लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को मिला के इनकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, बेसिकली दोनों के मोड में ये काम करता है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के वर्किंग पे ये बेसिकली ये काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि थायरिस्टर काम कैसे करता है। तो थायरिस्टर का एक पार्ट होता है जिसे हम एससीआर कहते हैं, जिसे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं, राइट। अब इसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थायरिस्टर होता है ना, ये कंडक्टिंग मोड में तभी काम करता है, तभी करंट फ्लो करता है जब आप क्या करते हो, गेट पे पल्स अप्लाई करते हो। अगर एक बार आपने गेट पे पल्स अप्लाई कर दिया ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ये हमारा जो थायरिस्टर है ना, ये कंडक्टिंग मोड में काम करने लगता है, मतलब करंट स्टार्ट हो जाती है इससे फ्लो करना जब आप गेट पे पल्स अप्लाई कर दो। तो एक बार पल्स अप्लाई करके छोड़ दोगे तब भी ये हमारा जो थायरिस्टर है वो काम करेगा, करंट फ्लो करेगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है, अब ये ग्राफ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस ग्राफ में देख सकते हो कि आपने गेट पल्स अप्लाई नहीं किया, राइट, आपने गेट पल्स अप्लाई नहीं किया, आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे करंट आपको देख रहे हो, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये आई वर्सेस वी का ग्राफ है, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि आपने गेट पल्स अप्लाई नहीं किया। जब तक आप गेट पल्स अप्लाई नहीं करोगे, आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा थायरिस्टर है वो ट्रिगर कर दिया और करंट स्टार्ट हो गई फ्लो करना। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप गेट पल्स अप्लाई करने के बाद आप रिमूव कर देते हो गेट पल्स, तब भी ये हमारा क्या करेगा, कंडक्टिंग मोड में ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसे हम लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट कहते हैं, राइट। तो लैचिंग करंट वो करंट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है गेट को ट्रिगर्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाए, तो बेसिकली वो लैचिंग करंट होता है। और दूसरा जो होता है होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है जिसे जो हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारा जो थायरिस्टर है ना वो कंडक्टिंग मोड में काम करता रहे। अगर आपका जो करंट है ना थायरिस्टर के थ्रू अगर होल्डिंग करंट से नीचे चला जाता है, तो हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब हमारा थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, ऑन मतलब कंडक्टिंग मोड में काम नहीं करेगा जब आपका करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा, राइट। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने एक डेटा शीट से स्नैपशॉट लिया है, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको मेंशन करिए, गेट ट्रिगर वोल्टेज, तो तीन वोल्ट आपको मिनिमम गेट पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए। और यहाँ पे गेट ट्रिगर करंट की बात करता हूँ, जिसे हम लैचिंग करंट बोल रहे हैं, तो ये 300 मिली एम्पियर करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सिमिलरली आपको होल्डिंग करंट कितना है, 1 एम्पियर मैक्सिमम आपको करंट देखने को मिलेगा, मतलब आपको इतना करंट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग मोड में ऑन, मतलब कंडक्टिंग मोड में काम करे, ठीक है। अगर इससे आप कम करंट लेके जाओगे, मान लो कि मेरा 1000 मिली एम्पियर मिनिमम करंट होल्डिंग करंट है, अगर आप
500 900 मिली एम्पियर तक लेके जाओगे तो ये हमारा जो थायरिस्टर है ना वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ स्टेट में ये काम करने लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको ये सिमुलेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने आपको एक मैंने एक सर्किट ले रखा है, जिस यहाँ पे देख सकते हो इसका ये एनोड साइड है, दूसरा कैथोड है, और ये गेट पे मैंने 100 ओम का रजिस्टर लगा के 5 वोल्ट की सप्लाई दिया है, और सिमिलरली एनोड पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, गेट पे पल्स अप्लाई करूंगा ना, ये मेरा जो थायरिस्टर है ना ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पल्स, ये गेट पे पल्स अप्लाई किया, ये देख सकते हो यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। आपको करंट भी देख सकते हो 43.557 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पल्स हटा देता हूँ ना, ये मैंने गेट पल्स हटा दिया, तब भी यहाँ पे देख सकते हो कंडक्टिंग मोड में ये काम कर रहा था। एक बार ये ऑन हो गया तो ये ऑन स्टेट में रहेगा। इससे आप क्या कर सकते हो कि आउटपुट पावर कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट स्टिल 43.557 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, राइट। अब ये चीज तो हो गया कि आप ये मेरा जो है ये थायरिस्टर ऑन हो गया, जिसे मैं यहाँ पे देख सकते हो मैंने गेट करंट देखूं तो गेट करंट आपको देखने को मिलेगा 33.33 मिली एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है गेट में, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि अब क्या है कि होल्डिंग करंट से अगर मैं नीचे करंट लेके जाऊंगा तो मेरा थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा रजिस्टर है इसको 100 ओम के बजाय मैं यहां पे 600 ओम कर देता हूं, राइट। तो देख सकते हो मेरा जो थायरिस्टर है ना वो ऑफ हो गया। ऑफ इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो करंट है ना, जो करंट फ्लो करना चाहिए ना यहां से एनोड टू कैथोड, जिसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं, उससे कम करंट हो गया, तो मेरा थायरिस्टर ऑफ स्टेट में हो गया। तो ऑफ स्टेट करने का एक तरीका ये हो गया कि आप जो होल्डिंग करंट फ्लो करा रहे हो उससे कम करंट फ्लो करो और ये ऑफ हो जाएगा। अगर मैं गेट पास अप्लाई कर दूंगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। आप देख सकते हो। तो आपको होल्डिंग करंट मिनिमम करंट मेंटेन करना ताकि आपको थायरिस्टर ऑन स्टेट में काम करे, राइट। अब आगे मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूँ कि थायरिस्टर को अगर ऑफ कराना हो तो एक तो तरीका मैंने बता दिया कि आपको ऑफ कैसे करवा सकते हो। ऑफ कराने का तरीका यह है कि होल्डिंग करंट से जो है ना, होल्डिंग करंट से नीचे आप करंट लेके जाओ, आईएच की वैल्यू जो है ना लो कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो पोलरिटी है ना ये एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दो और कैथोड पे पॉजिटिव, तो ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अगर आप एनोड और कैथोड को शॉर्ट कर देते हो, आप ये एनोड और कैथोड को शॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, करंट जो है ना यहां से फ्लो करेगा और थायरिस्टर को होल्डिंग करंट मिलेगा ही नहीं, राइट। तो जब थायरिस्टर को होल्डिंग करंट ही नहीं मिलेगा तो कि ये ट्रांजिस्टर थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहेगा ही, ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा यही चीज सेम यहाँ पे लिखा है, द पासिंग करंट बिकम्स लेस देन द मिनिमम होल्डिंग करंट। जब आप शॉर्ट कर दोगे तो मिनिमम होल्डिंग करंट से करंट जो होता है यहां से फ्लो करना चाहिए वो कम हो जाएगा, तो ये हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक। और रिवर्स में तो आपको पता है कि नॉर्मल डायोड की तरह ये काम करेगा, राइट। तो बेसिकली रिवर्स मतलब पोलरिटी चेंज कर रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी सर्किट के बारे में डिस्कस करता हूँ, राइट, तो एक तो ये ऑफ स्टेट में है, मतलब ये स्विच को आप प्रेस नहीं कर रहे हो, प्रेस क्या है ऑफ, ये स्विच क्या है ऑफ है। और यहाँ पे क्या है कि मैंने जब से स्विच को ये प्रेस किया, राइट, तो यहां से क्या हुआ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे गेट पे आपको करंट मिल जाएगा, जिसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। तो ये करंट, तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो है थायरिस्टर जो है कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा, मतलब यहां से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना और ये जो मेरा लैंप है ना ये ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ग्लो करने का एक तो तरीका ये आपको पता चल गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे यहाँ पे स्विच को ऑफ करोगे ना, यहां से आप स्विच को ऑफ करोगे तब भी ये क्या करेगा, हमारा लैंप जो है ना ये ग्लो करता रहेगा, क्योंकि एक बार आपने इसको ट्रिगर कर दिया थायरिस्टर को अगर एक बार आपने ट्रिगर कर दिया तो ये हमेशा क्या है कंडक्टिंग मोड में ही काम करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी सर्किट है, राइट। अब दूसरा ये है कि आप अगर मान लो इस स्विच को प्रेस कर दिए, इस स्विच को आपने अगर प्रेस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है ना ये पाथ, ये वाला पाथ बन जाएगा, यहां से करंट जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसका ऑन होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता ना। जैसे मान लो यहां से सर्किट आपने ये कंप्लीट सर्किट बन जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा जैसे आप प्रेस करोगे तो इस ये जो हमारा जो है ना ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे मैं इसके थोड़े टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि थायरिस्टर जो है ना बहुत टाइप्स के आते हैं। मैंने एक तो टाइप यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपको, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जिसे हम कहते हैं SCR। एक होता है डायोड, जिसको हम यूज करते हैं सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। ट्रायक होता है,
ट्रैक बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि एसी सिग्नल के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बाई डायरेक्शनल करंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक का यूज़ करते हैं, जो कि वैक्यूम क्लीनर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो एसी से सप्लाई से कंट्रोल होते हैं। अगर मैं एसीआर की बात करता हूँ तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एनो टू कैथोडी करंट फ्लो करता है, राइट। और इसके एमसीटी हो गया, एसआईटीएच हो गया, जीटीओ हो गया, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के बारे में। तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने गेट पल्स अप्लाई कर रहे थे, तो क्या होता है कि हमारा थायरिस्टर जो है ना कंडक्टिंग मोड में आ रहा था, मतलब करंट फ्लो करने लग रहा था। अब करंट फ्लो कर रहा था, अब क्या होता है कि अब जैसे आप ये पल्स हटाने के बाद क्या होता है, अगर पल्स आप रिवर्स में कर देते हो, मतलब पल्स जीरो कर देते हो, तो मेरा क्या हो रहा था, तब भी हमारा थायरिस्टर जो है एससीआर जो है ना वो कंडक्टिंग मोड में ही काम कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप पल्स अप्लाई करने के बाद ये जीरो कर देते हो, तो क्या होता है कि हमारा जो थायरिस्टर होता है ना वो ऑफ हो जाता है, मतलब नेगेटिव पल्स दोगे तो थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, जो कि जीटीओ का मतलब जीटीओ मोस्टली यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको दिख रहा है कि ये जो इनर्जी हमें ट्रांसफर हो रही है ना उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गेट है, ये गेट पल्स है बेसिकली, ये जो गेट पल्स मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे गेट पल्स आपने यहाँ पे अप्लाई करा, स्टार्टिंग में गेट पल्स अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा आपको पावर ट्रांसफर हो रहा है, राइट। और निगेटिव पल्स में, मतलब निगेटिव में तो ये काम करेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको 100% सिग्नल पावर ट्रांसफर होना चाहिए था, 100%, वो क्या हो रहा है कि 50% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 50% आपको पावर ट्रांसमिट हो रहा है, राइट, क्योंकि आपने पल्स स्टार्टिंग में ही अप्लाया। अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने पल्स जो है ना कुछ टाइम बाद अप्लाई किया, राइट, डीले दे दिया, तो इसमें क्या होता है, इतनी ही एनर्जी ट्रांसफर हुई, राइट। देख सकते हो तो आप कैसे एनर्जी कंट्रोल कर रहे हो, जैसे फैन वगैरह में रेगुलेटर जब घुमाते हैं तो बेसिकली हम ट्रिगर कर रहे हैं, तो ट्रिगर कितना करें, कितना एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फैन की जो स्पीड होती है ना बेसिकली कंट्रोल होती है, पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई होता है, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेम चीज यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रिगर किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ से कंडक्टिंग मोड में स्टार्ट हुआ, मतलब थायरिस्टर अब जाके ऑन हुआ। यहाँ पे देख सकते हो एससीआर पे गेट टर्मिनल, ये बेसिकली गेट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा ये कंडक्टिंग मोड में आ रहा है। तो ये बेसिकली थायरिस्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैवी लोड्स को ऑपरेट करने के लिए, करंट रेटिंग हाई होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके स्विचिंग वेरी फास्ट स्विचिंग करा सकते हो, राइट। अब एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो जो मोटर्स वगैरह होती हैं उसको लाइक हैवी पावर्स हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं कि ट्रैक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हैवी लाइक पावर रेटिंग का होता है, राइट। अब जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं ना, जो लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, सच एज हीटिंग, वेल्डिंग, लाइटिंग, वेपरवाइडिंग, तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रैक का यूज़ करते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्जन में हम बहुत ज़्यादा ट्रैक का यूज़ करते हैं, राइट। फेज कंट्रोल हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, फैन जब आप रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हो, फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ब्रश मोटर्स वगैरह जो होते हैं उनको, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं थायरिस्टर, तो इसीलिए इसको पावर हाउस की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और प्राइजेस बहुत कम होती हैं थायरिस्टर की, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा पूरा डिटेलिंग थायरिस्टर के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।